हेलो, हाँ, आवाज साफ आई भाई? अरे अरे कब से पहले भी आ रही थी आवाज, अब भी साफ आ रही है। क्यों इतना भाई, चक्कर हो अब यार देखिए, तुझे? अब हम लोग आराम से उसूल की रोशनी में बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो मैं खामोशी से उसको एकदम सुनूंगा, फिर जब मैं बोलूंगा 1 मिनट तो आप खामोशी से उसको सुनेंगे। इससे ओके बात ओके। एकदम अच्छे से हो जाएगी, जो मसला है एकदम साफ हो जाएगा। तो आज का टॉपिक भाई ये है कि क्या हनफी मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं या नहीं। तो मेरा दावा ये है कि आजकल के हनफी मुकल्लिद, चाहे वो बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, वो खाली झूठा दावा करते हैं कि हम तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद हैं, लेकिन वो असलियत में आज के आलिमों की तकलीद करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का दूर दूर तक उनसे कोई लेना देना नहीं है, और असलियत में वो है गैर मुकल्लिद, वो है ही नहीं मुकल्लिद। अब आप अपना दावा पेश कीजिए। पहले तो आप जो कह रहे हैं कि गैर मुकल्लिद। हेलो, भाई, अब आप आराम से बोलते जाइए, मैं बीच में कुछ भी हाँ बोलूंगा। आप बीच में यार कुछ, हाँ, या कुछ अच्छा या कोई ठीक है, झूठ तो हाँ बोला बताइए। मैं, ताकि मुझे भी लोग आप सुन रहे हैं। जी जी बोलिए। पहली बात है कि हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद कब करते मालूम है? हाँ बताइए। जब कुरान और हदीस में टकराव हो तो हम इमाम के कौल को देखते हैं भाई, कि भाई इमाम यहाँ, इमाम अबू हनीफा क्या किया। फिर और आप लोग क्या कह रहे हो कि भाई ये नहीं, कि तकलीफ तो बरेलवी इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं भाई, ये करते हैं वो, ये आपको बात किसने कह दी कि भाई ये हर कॉल पे अमल करते हैं उसके? किसने कहा आपको? ठीक है भाई, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। आप देखिए अल्ताफ भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने अपनी जिंदगी के कौन से इतने अहम मसले में आपको इतनी उलझन हो गई कि आपको कुरान और हदीस में भाई जो टकराव था वो भाई टकराव दिख गया, तो आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को मानना ही मानना पड़ गया, और आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद को अपने ऊपर वाजिब कर लिया? ऐसा कौन सा मसला आपको पेश आया जो कुरान हदीस में भाई वो मौजूद ही ना हो और आपको अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का दामन पकड़ना पड़ा? चलिए फटाफट बताइए वो कौन सा मसला लो था। भाई, इमाम अबू आपका हनीफा टाइम के स्टार्ट हर होता है। कॉल, आप इमाम अबू हनीफा के हर कॉल पे ही है। इमाम अबू हनीफा ने खुद कहा है, अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो मेरी बात मत करना, समझे? अब अभी तक मुझे कुरान और हदीस में ऐसे कोई ऐसी बात नहीं मिली कि जो हम इमाम अबू हनीफा कॉल को छोड़ दें और कुरान हदीस का मत करें। जो कुरान और हदीस में जो सही है वही इमाम अबू हनीफा ने कहा है, हम उन्हीं की बात मानते भाई। अब इसमें तकलीद कहाँ से हो गई? जो कुरान और हदीस में है वही हम बात अमल करते हैं, और आप लोग उसकी तकलीद करते हैं भाई। चलिए अब आपको कौन सी माशाल्लाह ये बात अल्ताफ भाई, आपको कौन सी बात लगी? आपको ऐसी कौन सी बात लगी जो इमाम अबू हनीफा ने कुरान और हदीस के खिलाफ कहा हो? जी जी माशाल्लाह। देखिए, अगर आपका ये कहना है कि जो बात कुरान हदीस से साबित है, बदलील है, उस बात में आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को माना, तो पहली चीज तो भाई ये तकलीद हुई नहीं। इसको कहते हैं हाँ, इत्तबा। तकलीफ तो वही तो हम कह इत्तबा रहे हैं और यार, तकलीफ तकलीद हुई कैसे? में तो आपको जमीन कैसे हम आसमान का तकलीफ फर्क है। बोल जो तकलीद होती है वो बिना दलील होती है, और जो इत्तबा होती है वो दलील के साथ होती है। तो अगर कोई बात रहे? कुरान हदीस से साबित है और वही बात आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कही है, तो यहाँ तो भाई तकलीद हुई नहीं, यानी कि आप तो हुई नहीं मुकल्लिद। और अगर मान लीजिए आपने कहा ना कि आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की हर बात हर कौल कुरान और हदीस से साबित है, और आपने मुझसे पूछा कि ऐसा कौन सा मसला, ऐसी कौन सी बात है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कुरान और हदीस से भाई टकराती है, तो एक नहीं सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूँ। अभी चंद मैं आपको नमूने के तौर पे बता रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जो ईद के बाद जो शव्वाल के रोजे रखे जाते हैं 6, वो रखना साबित नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस से सही है मुस्लिम की कि शव्वाल के 6 रोजे रखना चाहिए। और आज के जो हनफी आलिम है
वो इस चीज को भाई तस्लीम करते हैं कि भाई जो शव्वाल के 6 रोजे होते हैं वो हमको रखना चाहिए। आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जो बच्चों का अकीका होता है, अकीका करना बिदअत है, लेकिन आज हर हनफी आलिम उनके वहाँ जब औलाद पैदा होती है तो वो अपने बच्चों का अकीका करते हैं। आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जो मदीना था वो भाई वो हरम में शामिल नहीं है, लेकिन आज हम जानते हैं जो मदीना है वो अलहमदुल्ला भाई जो भी हरमैन है उसमें शामिल है। इस तरीके के मेरे भाई दर्जनों कॉल है और अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में कि बच्चों को दूध पिलाने की मुद्दत है 2 साल, और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने की जो भाई जो भी पीरियड है मुद्दत है वो है 2.5 साल, 2 साल 6 महीने, यानी कि अल्लाह सुभान व तआला अलग कह रहा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा अलग है। तो अब बताइए आप कैसे मुकल्लिद हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने कैसे कह दिया कि अकीका बिदअत? मैंने नहीं कहा, आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से जो मंसूब हनफी फिका है, जैसे आपकी मिलत है, जैसे आपकी हिदाया हो गई, सूरह मुख्तार हो गई, फतावा आलमगीरी हो गई, अपनी किताब कहो ना भाई, कम हो गई, जैसे आपके भाई कुदूरी हो गई, शरा बिकाया हो गई, कतरखानिया हो गई, अकबर हो गई, सुन्ना की दो बयान किए गए, कहीं नहीं लिखा है भाई, कहीं नहीं लिखा है। अकिया करना, अगर अकिया करना बिजल तो हम क्यों करते? मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा था कि मेरे प्यारे अल्ताफ भाई मुनाजरा करने से पहले इल्म हासिल कीजिए, आपको अपने मसलक का अता पता नहीं, आपको लापता है, मैंने कभी नहीं, तो आप क्या करेंगे? वो आप अपने ठोक रहे हैं, वो आप अपने हमारे को ठोक रहे हैं, आज तक अभी मेरा अच्छा एक चीज बताइए भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहाँ पे कहा कि तुम इमामों की बात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे आगे मानो? ये कब कहा, कौन सी आयत में कहा? यहाँ तक के अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो, लेकिन आप लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ के इमामों के पीछे ऐसा हाथ धो के नहा धो के साबुन शैम्पू लगा के ऐसा पीछे पड़ गए हो कि आपको इमाम के बारे में पता नहीं है कि इमाम का आपका मसला क्या था, उन्होंने कौन से मसले पे क्या कहा है, लेकिन जबरदस्ती उनका नाम बीच में भाई आप लोग खींच लेते हो। आप लोग एक्चुअल में इमाम को नहीं पर भाई किसी मसले पे तकलीफ नहीं करते हो, आपको मालूम ही नहीं है कि उन्होंने कौन से मसले पे उनका कौन सा कॉल मौजूद है, कौन सा फतवा है, तो आप कैसे तकलीफ करते हो भाई? वही तो बोला, तकलीफ आपने समझा है क्या यार? अभी तकलीफ इसलिए बोला, तकलीफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपने अभी अच्छा तकलीफ बेटा, आप एक सिंपल सी चीज समझ जाइए कि जो जो भाई तकलीफ है वो तकलीफ एक तकलीफ है, तकलीफ जो हनफी मुकल्लिदों के लिए तकलीफ बन गई है, वो तकलीफ बेचारे करने का ढोंग करते हैं जिसकी वजह से उसको काफी तकलीफ हो गई है, तो ये तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, यही आपको समझाना चाह रहे हैं। भाई हनफी जो आलिमों की किताब है, उसूल की किताब है, उसमें जो तारीफ आई हुई है वो ये आई हुई है कि किसी भी गैरे नबी की बात को बिना दलील के माल लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीफ है। ये तो भाई आज से सैकड़ों साल पहले की तारीफ, यानी कि जब से भाई तकलीफ चालू हुई है 60-70-100 साल पहले, ये भाई तब की तारीफ है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के माल लेना, ये भाई तकलीफ है। लेकिन आज के दौर की तारीफ क्या है तकलीफ की, कि भाई कुरान हदीस को छोड़ना और अपने मसलक अपने इमाम अपने आलिम की बात को पकड़ना, ये तारीफ आज के दौर में है। बात तो कभी इमाम अबू हनीफा ने कभी कहा ही नहीं कि भाई
कोई कुरान वाली के खिलाफ हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तो साफ साफ कहा कि जब मेरी बात कुरान और हदीस के खिलाफ जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना और कुरान और हदीस को थाम लेना। एकदम सही कहा है, एकदम सही कहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो सही हदीस से साबित हो जाए वो मेरा मजहब है। हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, आप मेरे हमारे पास क्यों रहे हो? जब आपको पता नहीं हमारे बारे में तो आप बोल के, हमें आपके बारे में पता है, हम थोड़ा आपको आईना आपको दिखा दिए। देखिए, अगर आप अपने आपको मोमिन मानते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन वो दूसरे जो भाई होता है मोमिन उसका आईना होता है, यानी कि मोमिन मोमिन का आईना होता है। तो अगर आप अपने आपको मोमिन मान रहे हैं तो मैं आपको आईना दिखा देता हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। तो आज सीने पे हाथ बांधने की नमाज में भाई कौन से? सही हदीस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हनफी लोग जाते नीचे हाथ बांधते हैं, तो ये हुई ना दी तकलीफ। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। तो भाई रसूल दायर करते कि सही हदीस से आ गई ना दलील है भाई नाप के हाथ बांधने के लिए, हैं नाप के नीचे हाथ बांधने के हमारे पास दलील है। नहीं भाई, दलील तो है, दलील तो अभी चार दिन बाद कोई कह देगा कि हम भाई हम हाथ छोड़ के नमाज पढ़ेंगे तो उनके पास हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने की भी दलील है। कोई कहेगा हम अपने तरीकों पर हाथ बांध के नमाज पढ़ेंगे तो वो भी कोई ना कोई दलील दिखाएगा। लेकिन तमाम ज़ईफ़ हदीसें हैं जो आपकी हनफी मसलक की किताब में हिदाया उसमें लिखा हुआ है कि नाप के नीचे हाथ बांधने वाली तमाम हदीसें आइमा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ़ है और सीने पे हाथ बांधने की हदीसें वो ज्यादा कवी है। बात सुनो, अरे थोड़ा कम बोला करो यार, इतना ज्यादा ना बोला करो। क्यों भाई, एक एक मिनट का टाइम है तो आप मेरे को बोलने नहीं दे तो खुद सवाल अगर हम जवाब देते हैं तो आप बीच में बोलने लगते हो। अरे बात सुनो, एले खबीर यार, हे यार एले खबीर कहने लगे। देखिए प्यार से अभी तक आप बात कर रहे थे तो आपको भाई को समझाने में अच्छा लग रहा है यार। अब आप मेरे भाई बदतमीजी कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं यार, आपने बात सुनने का मेरा गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक ज्यादा बोल रहे हैं यार। ठीक है, जो हम लोग का उसूल भाई हम लोग का तय हुआ था उसी उसूल के दायरे में बात करते हैं। एक मिनट हम बोल लेते हैं फिर एक मिनट आप आराम से बोलिएगा, ठीक। मेरा भाई जो टाइम है स्टार्ट होता है अब। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कॉल मौजूद है जिसको आपने कबूल किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया जब कुरान हदीस आ जाए तो मेरी बात को छोड़ दो और जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा तरीका है मजहब है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास उस दौर में नाप के नीचे हाथ बांधने की हदीस से पहुंच गई, लेकिन वो ज़ईफ है। आज के दौर में जब मेरे भैया सही हदीस हो चुकी है आसानी से कि सीने पे हाथ बांधने की हदीस ज्यादा सही है, तो अब आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कॉल को छोड़ना पड़ेगा और एकदम सही हदीस पे अमल करना पड़ेगा, तब आप होंगे असली हनफी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा रास्ता है, मनहज है, मसलक है, तरीका है। तो आज मेरे पे रफादान करने की 200 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हनफी मुकल्लिद कहते हैं कि रफादान तो मंसूख हो गया, तो वो अंधी तकलीफ करते हैं, वो अपने इमाम की बात को नहीं मानते। जब इमाम साहब ने कह दिया कि जब मेरी बात भाई कुरान और सही हदीस के खिलाफ जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार दो, तो आज कोई हनफी मारता ही नहीं। मैं असली हनफी था, जैसे मेरे पास सीने पे हाथ बांधने की सही हदीस आई मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कॉल को छोड़ दिया, तो हुआ ना मैं असली हनफी। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मैंने कॉल पढ़ा और भाई नमाज में रफूल दायर करने की मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा हदीसें मिल गई सही, तो मैंने भाई नमाज में रफादान करना स्टार्ट कर दिया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कॉल को छोड़ दिया। ओ एले कभी बात सुन दे जाहिल। हाँ बोलिए भाई, आप ज्यादा हो गए, एक मिनट से ज्यादा हो गए, इसलिए तो गुस्सा लगता है तुमको बोलने में यार। अच्छा चलिए, यार
अभी आपने खुद कहा कि एक मिनट आप बोलेंगे एक मिनट मैं बोलूंगा, तो आपने एक मिनट ज्यादा बोलिए ना मेरे भाई, बोलिए 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 मेरे प्यारे भाई। आपने कहा कि सीने वाली हदीस ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ किसने कहा हदीस ज़ईफ़ है? ये तुम्हें हुक्म है, तुम लगा सकते हो कि हदीस ज़ईफ़ है, ये काम तुम्हारा अहले हदीसों का काम है। ये तो अहले हदीस तो मेरे पे हदीसों के भाई माहिर होते हैं, वो नहीं पता है कौन से हदीस सही है कौन सी ज़ईफ़ है कौन सी मौजू है, तो क्या हदीस मुकल्लिफ बताएगा? जो खुद जाहिल समझ में नहीं आती। मैं क्या बोल रहा, कोई भी हदीस ज़ईफ़ हो या सही हो, ये काम किसका है? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी हनफी मसलक की मोतबर किताब मेरे भाई जो फिका की सबसे बड़ी किताब है हिदाया, उसमें लिखा हुआ है कि नाप के नीचे हाथ काटने की तमाम हदीसें अइमा मुहद्दिस के नजदीक ज़ईफ़ है। कौन सी किताब? ये तो आपके हनफी मसलक का नहीं कह रहा, मैं तो ही ना कह रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ हनफी? आप कौन सी किताब है, किताब का नाम बोलो, किताब का? अरे हिदाया करीब, हिदाया हिदाया हनफी मसलक की मोतबर किताब, पेज 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 नंबर। और सीने पे हाथ बांधने की मेरे भाई, अबे यार तमाम नंबर मांग रहा हूँ यार, सीने वाली वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, पेज नंबर मांग रहा हूँ यार, बात ज्यादा ना किया करो यार, अहले हदीस बोलो। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करते हुए कहते हैं कि आप दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली यानी कि पुष्ट पर इसके जोड़ और कलाई पर रखा। सुनन नसाई हदीस नंबर 889। मेरी बात सुनो यार, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मैं आपको बोला बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो मेरे भाई आप बताइए ना, नाक के नीचे हाथ बांधने वाली कौन से आपको हिदाया में कौन सी, ये कौन से पेज नंबर पे लिखा है? बोलिए बोलिए, आपका टाइम चल रहा है, आप आराम से बोलिए। आपने हिदाया का जो हिदाया का हवाला दिया वो कौन सी पेज नंबर है, कौन सा जिल्द नंबर, सब मुझे बताओ भाई। आपकी हिदाया शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 192 पे लिखा हुआ है कि नाप के नीचे हाथ बांधने वाली तमाम हदीसें अइमा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ़ हैं, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जो नाप के नीचे हाथ बांधने की हदीस आई है वो हदीस नहीं है, वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है जो ज़ईफ़ है। अब बताइए। अच्छा, अब मैं ये जो सवाल जो आपने किया ना, सवाल में नजर से नहीं दिखा और सुनिए, नाप भाई वो नाप के नीचे वाली हदीस में ऐसे बात में नहीं मानूंगा। अच्छा सुन तो लीजिए मेरे प्यारे भाई, नाप ऐसे तो आप कुछ भी बोल सकते भाई, हम तो भाई बात करेंगे, जब तक मैं अपनी किताब में देखूंगा नहीं तब तक मैं इस बात को। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल तहकीक कीजिए मेरे भाई, हम कब कह रहे हैं कि आप हमारे अंधे मुकल्लिद बन जाइए। नाप के नीचे वाली हदीस में एक तबे ताबई है, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान बिन इशाक बिन अल हारिस अल कूफी अल वासिती, ये उसूले मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ रावी है, ये इमाम बुखारी रहमुल्ला और सारे मुहद्दिसीन का कहना है। अब बताइए, जो नाप के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस में जो रावी आ रहे हैं अब्दुल रहमान बिन इशाक बिन अल हारिस अल कूफी अल वासिती, ये ज़ईफ रावी है? कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? ये अस्मा और रिजाल जो किताब होती है जिसमें रावियों का हाल होता है, ये तमाम मुहद्दिसीन ने जमा किया है। किसने लिखी है ये किताब, किसने लिखी है? अरे तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, इमाम बुखारी रहमुल्ला और तमाम जो मेरे भाई जितने सारे मुहद्दिसीन थे कदीम दौर के और आज के जमाने के, सबने कहा है कि नाप के नीचे वो हाथ बांधने वाली जो हदीस में जो एक तबे ताबई जो बात को पहुंचाते हैं जो रावी हैं, उनका नाम है अब्दुल रहमान बिन इशाक बिन अल हारिस अल कूफी अल वासिती, वो उसूले मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ रावी हैं। तो जो ज़ईफ हदीस से कुछ नहीं साबित होता, लेकिन हनफी मसलक में ज़ईफ हदीस सही हदीस के ऊपर है, सही नहीं हो जाती है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ आपके मसलक का, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का।
और वो किताब जब तक मैं हाथ में लूंगा नहीं तब तक तुम्हारी बात में मैं भरोसा नहीं करूंगा। तो भाई एक चीज बताइए, ना आपको अरबी आती, ना उर्दू आती, ना आपके पास कोई किताब मौजूद है, ना आपको अपने मसलक की मेरे भाई किसी किताब का इल्म है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? क्या मैं आपको फोन के अंदर घुस के किताब दे दूं? आपको किसने कह दिया मेरे पास इल्म नहीं? इल्म नहीं आपकी बातों से लग रहा है ना। अच्छा इल्म के अब जान लिया भाई, अब जरूरी थोड़ी ना हर चीज का इल्म है, का वो इंसान का जो अमाल होता है वो भी बता देता है ना। यही 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 अब आपका अमाल बता रहा है कि आप अशद दर्जे के भाई कम इल्म कम नहीं अकल इंसान अहले कभी तो सबसे बड़ी गलती है कि जो हदीस भाई हदीस को खबीस आप कह रहे माजल्ला, और दूसरे मतलब जो सही हदीस है वो आपके नजदीक हदीस है, और जो मेरे भाई जो सही हदीस हम बता रहे हैं तो आप हमें अहले खबीस कह रहे हो। कितने गंदे वो तो एक्चुअली मैं संजीव भी बात करता हूँ यार, तुम भी एक मिनट बोलो तो एक मिनट ज्यादा बात कर रहे हो, और दूसरी बात जो सही है तो आप बताइए ना आपने जिंदगी के कौन से मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ की और उनका कौन सा कौल माना है? एक तो बताइए अमल करते भाई सब जितनी भी सही हदीस सब हम उससे अमल करते हैं। तो मेरे भाई आप सीने पे हाथ बांधते हैं? हाँ बांधते हैं, सीने पे हाथ नहीं बांधते भाई हम तो ना। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि जितनी भी सही हदीस है सब पे अमल करते हैं? देखिए आपकी अम्मी जान माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है भाई, वो सीने पे हाथ बांधती है। आपकी मसलक की जितनी औरतें हैं वो तमाम अहले हदीस है, सब सीने पे हाथ बांधती है। तो आपकी माँ वो सही हदीस पे अमल कर रही है, तो आप कहीं के लिए सही हदीस पे अमल कर रहे हो? हेलो हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे मैं क्या पता आप क्या बोल रहे हो? हेलो तो आप अभी बात नहीं सुनते यार, क्या देखा यार? अरे बोलो ना मेरे भाई, मेरे से पूछ के पैदा हो गए थे क्या? बोलो जो बोलना है। हेलो अरे बोल मेरे भाई। अरे यार मैं कह रहा हूँ यार कि आपने कैसे कह दिया सही हदीस और सही हदीस? अरे मैंने कोई अपनी अक्ल से थोड़ी ना कह दिया, ये देखिए हदीस कौन सी सही है कौन सी ज़ईफ़ है कौन सी मौज़ू है ये कोई आम आदमी भाई नहीं बता सकता है। ये जो मेरे भाई जो हदीसों के उसूल जानते हैं, जो हदीसों के मेरे भाई विद्वान होते हैं, ज्ञाता होते हैं, आलिम होते हैं, उनको कहते हैं मुहद्दिस। वो मुहद्दिस तहकीक करता है कि कौन सा रावी सही था, कौन सा टिका था, कौन सा भाई वो ज़ईफ था, कौन सा कज़्ज़ाब था, कौन सा मुनकिर था, तो वो उसके ऊपर हुक्म लगाते हैं। तो कोई आम आदमी थोड़ी ना लगा देगा। और आपकी मेरे में हर के मसलक वाले पहले कह चुके हैं कि नाम के हाथ बांटने की तमाम आईमा मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ है। बोलो बोलो। हेलो मैं बोला आप अहले आप अहले खबीस हो ना? मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। अहले खबीस वो होता है जो अल्लाह के नबी की सही हदीस को ना माने, तो अहले खबीस तो आप साबित हो गए। ओ आप मौजूद हो हैं? आप मौजूद हो? नहीं भाई ये तो हमारा दावा ही नहीं। मौजूद बनने की जो कंडीशन होती है शरायत होती है वो अलग होती है। देखो आज तक मुझे कभी सीने वाली हदीस सही तो दिखी नहीं है और नहीं कभी मैंने पढ़ी है, तो मैं आपसे तुम्हारी बात पे कैसे अमल करूं? भाई अगर सीने पे हाथ बांधने वाली अगर हदीस भाई वो अगर मौजूद नहीं है और अगर वो अल्लाह के नबी की सही हदीस नहीं है, तो आप अपनी अम्मी जान से कहिएगा कि आज से जब भी नमाज पढ़े तो नाप के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़े। लेकिन भाई मैं तो आज सुना अरे तो मैं आपको दलील दे तो रहा हूँ मेरे भाई, बुखारी शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे। इब्ने खुज़ैमा में आता है कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे। इब्ने हिब्बान में आता है कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे। कितनी किताबों के हवाले आपको दे सकता हूँ? जो सीने वाली जो अरबी वाली हदीस सुनाओ जरा है, जो सीने में जो हाथ बांधने वाले अरबी में उसकी हदीस थोड़ा। अरबी आपको आती है पूरी? अबे तुम्हारे अहले खबीस सारे बरेलवी शेर हूँ, ऐसे थोड़ी कर चाहे तुम्हारे। तो भाई ये इतना बता दीजिए
जो ये भाई आप लोग मनाते हो कुंडे कुंडे कुंडे, इस कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अभी नमाज ले रहो, नमाज चलिए पूरी रात निकल जाएगी। अभी मैं रोजा पढ़ने का बंद करने का टाइम हो चुका है भाई। सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमें अल्लाह के नबी के जमाने में ये हुक्म दिया जाता था कि हम नमाज में अपना दायां हाथ बाएं जिरा पर रखें। सही अल बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 740। अबे अरबी वाली हदीस पर यार, ये तर्जुमा किसने किया? कैसे मान लेंगे भाई ये तर्जुमा उसी का किया हुआ है? अबे तर्जुमा गलत है तो साबित कर देना। तेरे मसलक वालों ने जो बुखारी का तर्जुमा किया है उसको खोल के देख ले। नहीं नहीं अरबी बात तो अरबी में तीनों को कहते सदरी सदर। हेलो अरबी में अरबी में तीनों को कहते हैं सदर सदरी अला सदर। जाहिल आदमी, तेरे को अरबी भी नहीं आती है? जाके मदरसे में अलिफ जबर आ बा जबर बा और हलक से बोलो खा खा, पहले जाके इसको सीखो। अबे ओ जाहिल भाई, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? मेरी बात सुन, अरबी पूरी हदीस पढ़ अरबी वाली। हाँ पहले फारसी मजान देके बताओ, तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है हनफी फिका की किताब कि अगर फारसी मजान मिल जाए तो अजान देना दुरुस्त है, अगर लोग समझ लें कि अजान हुई है तो फारसी मजान देके बताओ। अबे तुम तो हनफी मुकल्लिद हो ना, जाहिल कहीं के। अरे हनफी मुकल्लिद हो तो हनफी फिका की बात पे अमल करो ना। नहीं नहीं मैं क्या बोल, अभी तूने कहा कि भाई भाई आप तो भाई आप टॉपिक भाई आप टॉपिक भूल गए। जो हम लोग की बात तय हुई थी वो ये तय हुई थी कि मैं साबित करूंगा कि आज की तारीख में कोई भी हनफी मुकल्लिद वो एक्चुअल में मुकल्लिद है ही नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है कि हम मुकल्लिद हैं। सब गैर मुकल्लिद है दुनिया में, कोई किसी का मुकल्लिद नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि आप भी गैर मुकल्लिद हैं और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी गैर मुकल्लिद थे। आप लोग खुद गैर मुकल्लिद होके हम लोग को गैर मुकल्लिद बोल के गालियां देते हो, कितनी शर्म की बात है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, जाइए नमाज पढ़िए मेरे भाई, जाइए अब से आज शाम को जब रोजा इफ्तार कीजिएगा तो फारसी मजान दीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप हनफी मुकल्लिद हैं। क्योंकि आपकी हिदायत में आता है जो इमाम के कॉल को छोड़े उस पे रेत के जर्रों के बराबर बारिश हो, तो आप अपने इमाम के कॉल को कतई मत छोड़िएगा।